तो गाइस इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जब हम कोई वीडियो एडिट कर चुके होते हैं, जब इसको सेव या इंपोर्ट करते हैं काइन मास्टर में, तो फिर कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल जाता है हमको। अब ये क्यों होता है ये नहीं पता, क्योंकि जो पहले से जो अपडेट आते थे ना उसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती थी, बट जब से नए नए अपडेट आने लगे ना काइन मास्टर के अंदर, तो बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिल जाती हैं। कोई ना, जैसा भी हो हम अपने तरफ से जो जितना बेटर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर हम कोई इमेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो इमेज में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पिक ऐड किया है, ये वाला जो यहाँ पर PNG है फ़ोन की। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि नॉर्मली ऐड किया था। बट अगर हम यहीं पर एक क्लिप ऐड करते हैं वीडियोज़ की, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये वाला क्लिप ऐड किया जो कि 4 मिनट के आसपास है, तो मैंने इसको ऐड किया। इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो एरर दिखा रहा है। अभी इस एरर को हमको सही करने के लिए सिंपल सा फंडा है भाई, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि वो लोग थोड़ा सा एक कदम आगे चलना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर इसको मैं अब मैं इस वीडियो क्लिप को यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद गाइस फिर से इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, बट कैसे ऐड करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमको एक यहाँ पर ब्लैक कलर की इमेज ले लेता हूँ। अपने वीडियो के हिसाब से जो भी डिफरेंट कलर हो वो ले लेना, ताकि एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ऐड कर रहा हूँ, और ब्लैक कलर ऐड करने के बाद अब देखता हूँ वीडियो की कौन सी यहाँ पर क्लिप ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ से वही वाली अगेन वही वाली वीडियो ऐड करता हूँ जो अभी जिसको मैंने एरर में दिखाया था। तो मैं इसको ऐड करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कुछ एरर देख सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, बट गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जो बैकग्राउंड में जो इमेज हमने ऐड किया है उसका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो का कलर डिफरेंस हो जाए, ताकि उसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले इसको मैं अब भी कर लेना, जैसे भी आपका वीडियो हो उसी तरीके से कलर यहाँ पर डिफरेंट सेलेक्ट मतलब ऐड करके उसके बाद उसको एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो, अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने इसको फिर से उसको ब्लैक कर देना ताकि कुछ दिखे ना बाद में वीडियो सेव करने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद। और कमेंट करके बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी।